हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चैनल दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वन एकेडमी ग्रुप। एंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि रैंकिंग के लिए होने वाला है। एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखता है। आर या पार, जान लगा दो या जाने दो सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग 100% श्योर सिलेक्शन। शुरुआत करेंगे एक शानदार से मोटिवेशनल कोट के साथ में गाइस, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा इधर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हिम्मत अगर आपके अंदर है और आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं तो आप सफल भी जरूर होंगे। ये बात आप दिमाग में हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए कोशिशें करना जरूरी है। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मॉक टेस्ट आपको पता है कि रात को जो है दोस्तों 9 बजे ताबड़तोड़ अपना मॉक टेस्ट होता है। और जो भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में 10 AM और 4 PM पर जो क्लास लेते हैं, जो कि एक थ्योरी की जबरदस्त क्लास होती है, उससे रिलेटेड शाम को 5 PM पे हम लोगों की रिवीजन क्लास होती है। उस रिवीजन क्लास में बहुत मजा आता है क्योंकि उस रिवीजन क्लास का मेन मोटिव ये है कि चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लें। तो थ्योरी भी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी कर लीजिए, मजा तभी आएगा। सही है कि नहीं? शाम को 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ सुपर सेशन होने वाला है क्लॉक चैप्टर का। एक ही दिन में, यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लॉक में को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और जितने भी अपने 20-22 जो कंसेप्ट होते हैं उन सभी कंसेप्ट को दोस्तों कल आप लोग मेरे साथ में जुड़कर सीखेंगे, क्योंकि कल है 23 सॉरी इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर डेट जो है इन्होंने सही नहीं करी। पिछली बार अपने 23 जुलाई को भी सेशन लिया था, वही डेट यहाँ पर मेंशन है एक्चुअली में अभी तक, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे 13 अगस्त, ठीक है। कल क्योंकि 13 अगस्त का दिन है और 13 अगस्त का दिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखने वाला है, क्योंकि कल आप लोग सीखने वाले हो शानदार ताबड़तोड़, ठीक है, ताबड़तोड़ क्लॉक चैप्टर, ठीक है। 13 अगस्त का दिन है और 13 अगस्त के दिन आप लोग कंप्लीट क्लॉक चैप्टर को सीखेंगे एक ही वीडियो के अंदर शाम को 4 बजे, ठीक है भाई। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, कल शाम को 4 बजे बिल्कुल डॉट। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोगों को प्रोफाइल मिल जाएगी, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि अनअकैडमी की जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो पेड क्लासेस हो या फिर अपनी स्पेशल क्लासेस हो, उनके नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए मैसेज के रूप में आप लोगों के पास में, ठीक है। बैचेस को आप लोग यहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू आप देखना चाह रहे हैं तो मेरी स्पेशल क्लासेस को भी दोस्तों सी ऑल पर जाकर आप जितनी भी शाम को 5 बजे वाली स्पेशल क्लास, रात को 9 बजे वाली स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अपना चालू हो गया है गाइस, ठीक है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तीनों बैचेस दोस्तों आप लोग एक्सेस कर पाओगे। सफलता बैच के रूप में अपनी क्लासेस चालू हो गई है, तो आप लोग जाइए सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में दीपू10 कोड लगाइए और उसके बाद में एक्सेस कर लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि रैंकिंग का मतलब तो पता है ना भाई आपको, रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारण, है ना। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारण, कि आपको क्रम निर्धारित करना आता है या नहीं आता है, यह होता है रैंकिंग का मतलब। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों को किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोगों को क्या होगा, आपसे टोटल पूछेगा कि पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं, पंक्ति में मैक्सिमम लोग कितने बैठे हैं, पंक्ति में मिनिमम लोग कितने बैठे हैं, पोजीशन इंटरचेंज वाला, और मिक्स क्वेश्चन।
तो मेनली हम लोग ये पांच टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने होंगे, ठीक है। रैंकिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, जैसे आप इधर देखिएगा, जैसे उसने बोला कि एक कक्षा में है ना, एक कक्षा में टोटल कितने लोग हैं, मान लीजिए पूछ लिया उसने, और आपको सिर्फ एक व्यक्ति की पोजीशन दे रखी है, मान लीजिए राम, राम की लेफ्ट से पोजीशन मान लीजिए आपको दे रखी है 10 और राम की राइट से पोजीशन दे रखी है आपको 15। राम की लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 10 और राम की राइट से पोजीशन दे रखी है आपको 15, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग हैं क्लास में, जल्दी से बनाइए, फटाफट से बता दो एक बार, फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार छोटी सी थ्योरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मान लीजिए इस बार दे दिए 70 लोग, राम की लेफ्ट से पोजीशन 10 दे दी, राम की राइट से पोजीशन पूछ लियो। तीसरा पैटर्न हो सकता है कि इस बार टोटल दे दी, जैसे मान लीजिए 50 लोग दे दिए, और इस बार राम की लेफ्ट से पोजीशन ना देकर राम की राइट से पोजीशन दे दे कि 30 पोजीशन है, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ। एक व्यक्ति है राम, मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं राम हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरी लेफ्ट से पोजीशन 10 है, मेरी राइट से पोजीशन, दाएं से पोजीशन जो है 15 है, बाएं से पोजीशन मेरी 10 है, दाएं से पोजीशन मेरी 15 है, और अब मैं बोल रहा हूं कि टोटल कितने लोग हैं। तो भैया 10 और 15 आप कहोगे कि 25 है, पर बेटा आप लोग ध्यान से एक चीज देखो कि मुझे दो बार काउंट कर लिया गया कि नहीं, मुझे लेफ्ट से भी काउंट कर लिया गया, मुझे राइट से भी काउंट कर लिया गया, है ना। देखो लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी, जल्दी से बताओ, लेफ्ट से पोजीशन 10 थी, राइट से पोजीशन 15 थी, तो मैं तो दो बार काउंटिंग में आ गया ना, लेफ्ट से भी काउंटिंग में आ गया, राइट से भी काउंटिंग में आ गया, तो दो बार थोड़ी ना ऐड करूंगा मैं अपने आप को। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं लेफ्ट से और राइट से अपनी पोजीशन को ऐड करूंगा, लेकिन एक बार की जो पोजीशन है उसको मैं माइनस करूंगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बनाऊंगा। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो टोटल की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 15 माइनस 1, यानी ये आ गया आपके पास में 25 माइनस 1, कितना आ गया 24 आ, सही है। तो चलिए अब यहां पर भी सेम टू सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस बार टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। अब आप एक चीज नोट करिएगा, लेफ्ट और राइट से पोजीशन दे रखी हो तो टोटल निकाल सकते हैं, टोटल और लेफ्ट की पोजीशन दे रखी हो तो राइट निकाल सकते हैं, टोटल और राइट की पोजीशन दे रखी हो तो लेफ्ट निकाल सकते हैं, यानी तीनों ही केस में आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, तीनों ही केस में आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। टोटल इक्वल टू 70, लेफ्ट से है 10, राइट से फाइंड करना है माइनस 1, ये 9, 70 माइनस 9 इक्वल टू राइट, राइट इक्वल टू आ जाएगा यहां से 61। इस जगह देख लो टोटल 50 लोग दिए, टोटल दिए 50 लोग, लेफ्ट से पोजीशन फाइंड कर रहा है, राइट से 30 माइनस 29, तो 50 माइनस 29 इक्वल टू लेफ्ट, तो लेफ्ट इक्वल टू आ जाएगा गाइस 21। कर सकते हो फाइंड इजीली, जल्दी से बता दो फटाफट से, कर सकते हो ना इजीली फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चंस पर चलें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो ये हो गया, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं, जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं भाई, ठीक है, देखिएगा इधर, चलो अब मान लीजिए क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दे दिया आपको, इस बार ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने आपके बोला कि राम राम की लेफ्ट से पोजीशन है 10, श्याम की राइट से पोजीशन है, राम की लेफ्ट से पोजीशन 10 है, श्याम की राइट से पोजीशन मैंने बोल दिया कि 15 है, और मैंने आपको इस बार टोटल दे दिया, क्या दे दिया टोटल, टोटल इक्वल टू 50% है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिड पर्सन क्या होंगे, मिड पर्सन
जल्दी से बता दो फटाफट से, मिड पर्सन कितने हो, मिड पर्सन कितने हो? एक क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको, और एक क्वेश्चन मान लीजिए ये दे दिया मैंने, राम की लेफ्ट से पोजीशन है 10, श्याम की राइट से पोजीशन है 15, ठीक है, और टोटल मैंने दे दिया आपको 20 लोग, और अब मैं पूछ रहा हूं कि मिड पर्सन कितने हैं, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि मिड पर्सन कितने, सोच समझ के जवाब दीजिएगा गाइस, ठीक है, दोनों चीजों को नोट करके देख लीजिए, राम की लेफ्ट से पोजीशन 10 दे दी, श्याम की राइट से पोजीशन 15 दे दी, टोटल 50 दे दिए, मैं पूछ रहा हूं मिड पर्सन कितने। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले चेक करोगे कि आखिर सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, चेक कि क्वेश्चन वैलिड है या नहीं। चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां पर टोटल की वैल्यू 50 दी, तो आप चेक करोगे कि टोटल की जो वैल्यू है वो ज्यादा है राम की लेफ्ट से जो पोजीशन है उससे, और श्याम की जो राइट से पोजीशन है उससे। टोटल की वैल्यू राम और श्याम की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उनके एडिशन से ज्यादा है। तो जब भी टोटल की वैल्यू व्यक्तियों के दोनों दिए गए स्थानों के मान से ज्यादा होगी तो कंडीशन किसकी बनेगी, कंडीशन किसकी बनेगी, सेपरेट केस की, सेपरेट केस। सेपरेट केस का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जब आप इसको सोल्व करोगे, देखना इधर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपने पंक्ति ले ली, पंक्ति में कितने लोग ले लिए, 50 लोग ले लिए, ये 50 लोग ले लिए, 50 लोगों में राम, राम 50 लोगों में ये कौन है, राम, और ये कौन है, श्याम। राम की लेफ्ट से पोजीशन हमने ले ली 10, श्याम की राइट से पोजीशन हमने ले ली 15, ये ले ली हमने 10, ये ले ली हमने 15, और अब मैं पूछ रहा हूं मिड पर्सन कितने, हमने क्या पूछा, मिड पर्सन हमने क्या पूछ लिया भाई, मिड पर्सन कितने हैं, सही है ना, क्या पूछ लिया, मिड पर्सन कितने हैं। तो भैया मिड पर्सन इजीली निकल सकते हैं, यहां से ये 10 हटा दो, है ना, यहां से तो ये 10 हटा दो, और यहां से ये 15 हटा दो, ये 10 हटा दो, ये 15 हटा दो, तो बीच वाले लोग आ जाएंगे कि नहीं, ये बीच वाले लोग आ जाएंगे भाई, सही है ना। यानी कि मिड पर्सन अगर मुझे निकालना है तो मिड पर्सन कैसे निकालूंगा मैं, टोटल में से लेफ्ट और राइट की पोजीशन को माइनस कर दो, ये मिड पर्सन सीधा ही निकल गया। मिड पर्सन कैसे निकल गया, टोटल में से, टोटल कितना था 50, 50 में से 10 और 15 दोनों को जोड़कर हटा दो, 50 में से 25 चला गया तो ये बचा 25। उम्मीद करता हूं कि पहला वाला 25 समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का 24 आ रहा है, ये देखो यहां पर लोगों का आंसर आ रहा है 24, ठीक है, क्या नाम है इनका, शिवांजल भावा भावास्कर, ठीक है, सबसे गलत है इनका आंसर, और भी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, परमेश्वर का 13 आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, 12 मिड में है ऋतुराज सिंह जी, बिल्कुल गलत है, मतलब ये दर्शाता है यहाँ पर, ये चीज ये दर्शाती है कि आप कितना सोच पाते हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिए कि आपके पास टोटल दिया हुआ था 50 लोग, राम को बिठाया 10 पे, श्याम को बिठाया 15 पे, इधर से 10 हटाए 15 हटाए, बीच वाले लोग आ गए कि नहीं आ गए, क्या आ जाएंगे भाई, बीच वाले लोग आ जाएंगे आपके पास में ऑटोमेटिकली, मिड वाले पर्सन आ जाएंगे, सीधी सी बात है 25 आ गए। लेकिन अब यहां पर भैया चेक करके देख लो आप चीजें,
अब यहां पर राम और श्याम की जो टोटल वैल्यू है, यहां पर आप चेक करोगे जब आप प्रश्न को, वहां पर तो टोटल की वैल्यू ज्यादा थी राम और श्याम के स्थान से, लेकिन यहां पर जब आपने चेक किया तो राम की लेफ्ट से और श्याम की राइट से जो पोजीशन है वो ज्यादा है किससे, टोटल से, वो टोटल से ज्यादा है। तो भैया अब कंडीशन किसकी बनेगी, याद रख लेना, कंडीशन किसकी बनेगी, सेपरेट की नहीं बनेगी, अब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। क्या बनेगा? ओवरलैपिंग केस। और ओवरलैपिंग केस क्या होता है ये भी समझ लेना। मान लीजिए आपने ये 20 लोग ले लिए कि टोटल 20 लोग हैं, 20 लोगों में राम को बिठा दिया तुमने 10 नंबर पे और पीछे से श्याम को बिठा दिया तुमने 15 नंबर पे, तो भैया ये तो कंडीशन ही गलत हो गई ना, 10 और 15 ये तो 25 लोग हो गए फिर यहां पर। अगर आपने ऐसे बिठाया इनको, अगर आपने ऐसे बिठाया इनको कि राम को मैं 10 पे बिठाऊं, श्याम को मैं 15 पे बिठाऊं, तो लाइन के अंदर तो 25 लोग हो गए। अब ये 25 लोग 20 लोगों में कैसे बैठ सकते हैं? अरे जब टोटली 20 लोग हैं तो 25 लोग कैसे बिठा सकते हैं? तो ये वाला केस तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये सेपरेट वाला केस जो अलग अलग बिठाने वाला केस है ये तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। अब यानी केस कैसा बनेगा? अब केस बनेगा ओवरलैपिंग वाला। कैसा केस बनेगा? ओवरलैपिंग, यानी उनकी दोनों की पोजीशन है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। कैसे क्रॉस कर जाएगी देखिएगा, टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। राम कहां पर बैठा है? राम लेफ्ट से, राम लेफ्ट से 10 नंबर पर बैठा है। श्याम कहां पर बैठा हुआ है? श्याम राइट से, श्याम राइट से 15 नंबर पर बैठा हुआ है। और अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। ऐसा केस बनेगा, ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा। हमें ये बीच के लोग निकालने हैं यहां पर कि बीच में कितने लोग बैठे हैं। राम लेफ्ट से 10, श्याम राइट से 15, बीच में कितने लोग हैं? तो याद रख लेना यहां पर मिड पर्सन निकालने का तरीका क्या होगा। मिड पर्सन कैसे निकालोगे? अब हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस होती है। यहां पर टोटल बड़ा था तो टोटल में से इन दोनों की वैल्यू माइनस हो रही थी। अब यहां पर कौन बड़ा है? राम और श्याम की वैल्यू बड़ी है, तो राम और श्याम की जो वैल्यू है उसमें से, सही है, ये लेफ्ट और ये राइट, राम और श्याम की जो वैल्यू है उसमें से टोटल को माइनस करोगे। टोटल को माइनस करने के बाद में आप दो और माइनस करोगे। अब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी कि इतना तो समझ में आ गया कि सर बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू माइनस होती है, यानी टोटल में से राम और श्याम की वैल्यू माइनस हो रही थी। यहां पर राम और श्याम की वैल्यू बड़ी है तो उसमें से टोटल को माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस दो क्यों किया? आपके दिमाग में आया होगा ना कि ये माइनस दो क्यों किया। तो देखिए ये माइनस दो क्यों किया, क्योंकि जब आप राम की पोजीशन तक जा रहे हो तो बीच में श्याम की पोजीशन ऑलरेडी काउंटिंग में आ रही, और जब आप राइट से श्याम की पोजीशन पे जा रहे हो तो राम की पोजीशन ऑलरेडी काउंटिंग में आ रही है, तो दोनों की पोजीशन दो बार काउंटिंग में आ रही है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना। तो जब राम तक गिनेंगे तो बीच में श्याम जो आ रहा है वो भी काउंटिंग में आ रहा है, जब श्याम तक गिनेंगे तो बीच में जो राम आ रहा है वो भी काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए दो बार इनकी दोनों की पोजीशन भी क्या होती है, माइनस होती है। तो डायरेक्टली हम लोग अब निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लीजिए कितना बनेगा, 10 + 15 - 20 - 2 यानी कि 25 - 22, 25 - 22 कितना आ गया, 3 आ गया, 25 - 22 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया भैया। ऐसे होता है ओवरलैपिंग का केस। और मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका यह है कि पंक्ति में अधिकतम लोग निकालेंगे तो सीधा सा फॉर्मूला बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, ये आ गए मैक्सिमम पर्सन। और मिनिमम निकालने का फॉर्मूला ये से बनता है, मिनिमम निकालने का फॉर्मूला बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस टू, ठीक है, ये मिनिमम निकालने का फॉर्मूला, नोट करके रख लो। अधिकतम, पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठे हैं इसको निकालने का तरीका ये है, पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं उसको निकालने का तरीका ये है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले नोट करके रख लो, फिर आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्योंकि चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देते जाना, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं।
पांच दोस्तों ने टाइपिंग गति प्रतियोगिता में भाग लिया, रजत ने मनोज से पहले, रजत ने मनोज से पहले लेकिन गौतम के बाद स्थान प्राप्त किया, मनोज से पहले गौतम के बाद। अंकित ने सचिन से पहले लेकिन मनोज के बाद, अंकित ने सचिन से तो पहले लेकिन मनोज के बाद स्थान प्राप्त किया, तो चौथे स्थान पर कौन आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर कौन आया भैया? चौथे स्थान पर कौन आ गया जल्दी से बता दो? चौथे स्थान पर अंकित आ गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अब ताबड़तोड़ तरीके से चालू हो जाओ भाई, ठीक है? एक पंक्ति में दाईं ओर से शिवांगी का स्थान 49 है, दाईं ओर से शिवांगी का स्थान 49 और पंक्ति में शिवांगी के बाद 13 व्यक्ति हैं। From the right side of the row is 49. There are 13 persons after Shivangi in the row. उसके बाद जो है 13 लोग और बैठे हैं उसके। तो बताइए टोटल कितने लोग? दाएं से गिना हमने, दाएं से गिनना चालू किया, 49 लोग हैं। अब इसके बाद भी यानी इस तरफ, इसके बाद 13 लोग और बैठे हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए? भैया क्या दिक्कत है? 49 + 13 टोटल कितना आ गया? 62 आ गया ना, क्या सोचना है इसमें? चलिएगा नेक्स्ट। पांच लड़के हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं, जैक हेनरी से पीछे है, जैक हेनरी से पीछे है, रिकी गैरी से कुछ आगे है, रिकी गैरी से कुछ आगे है, काइल गैरी के सामने और हेनरी के पीछे, बीच में दौड़ रहा है काइल। काइल के लिए बोला है कि काइल गैरी के तो सामने है ना, और हेनरी के पीछे बीच में दौड़ रहा है, यानी कि ये देखिएगा, तो दूसरा तेज कौन दौड़ रहा है ये आपसे पूछा गया। काइल गैरी के सामने और हेनरी के पीछे दौड़ रहा है काइल। काइल इज रनिंग बिटवीन गैरी इन द फ्रंट एंड हैरी जो है उसके बैक में, हैरी जो है उसके बैक में इस तरीके से, ठीक है? तो ये काइल यहां पर आ गया, काइल फिर हैरी और ये जैक। तो दूसरा सबसे तेज, एक दो, दूसरा सबसे तेज कौन दौड़ रहा है जल्दी बताओ? गैरी जो है वो दूसरा सबसे तेज दौड़ रहा है। कौन आ गया? गैरी दूसरा सबसे तेज दौड़ रहा है। जल्दी से बनाइए फटाफट से। नंबर बता देता हूँ आपको मैं एक बार, आप कहोगे कि कौन सा नंबर भाई? आपको पता है कि कल CGL का एग्ज़ाम है, तो 983539। सबसे पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 983539, 983539, 3042 है ना, 3042 दोस्तों ये नंबर है। इस नंबर पे आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। कल CGL का एनालिसिस होगा, CGL रीजनिंग का पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है? अब आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे तभी तो एनालिसिस हो पाएगा,
तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, और दोपहर 2 बजे में पूरा एनालिसिस, पूरे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी का एनालिसिस करवाऊंगा। 2 PM 9835393042 व्हाट्सएप नंबर है, सीजीएल रीजनिंग दोपहर 2 बजे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नंबर नोट कर लें पहले, फटाफट से नंबर नोट कर लें पहले, फिर नंबर चला जाएगा, अभी मैं हटा दूंगा इसको। 9835393042 इस पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति है भाई, कितने लोगों की पंक्ति है? 42 लोगों की। राहुल बाएं ओर से 10वें स्थान, राहुल बाएं से 10वें स्थान, बाईं ओर 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है तब वह बाएं छोर से 30 हो जाता है। अच्छा, राहुल को उसने बोला कि राहुल जहां भी पहले बैठा है, हमें नहीं पता, राहुल मान लो यहां बैठा, मान लीजिए सपोज करिए राहुल यहां बैठा है, 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है, अगर अपने 10 स्थानों से स्थानांतरित कर दें तो वह बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है। तो राहुल बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है, 13th पोजीशन पर आ जाता है, ऐसा बोला गया है, सही है? नहीं, राहुल जहां भी था, मान लीजिए राहुल यहां था, मान लीजिए ये राहुल की एग्जैक्ट पोजीशन है, पर इसको बाईं तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 10 स्थानों से हमने 10 स्थान उठा के इसको बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वो बाएं से 13th नंबर पे आ गया, 30 नंबर पे आ गया, 13th नंबर पे, ठीक है, 30 नंबर पे आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान कौन सा था? तो पंक्ति के, वो बोल रहा है कि पंक्ति के दाएने छोर से पूर्व, पंक्ति के दाएने छोर से पूर्व उसका स्थान क्या था? पंक्ति के दाएने छोर से उसका स्थान क्या था? तो क्या प्रॉब्लम है भाई, सी एन डी कैसे आ रहा है यहाँ पर तुम लोगों का? मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर देख रहा हूँ, कंटिन्यू काफी सारे लोगों का आंसर यहाँ पर सी एन डी आ रहा है, ठीक है, आई डोंट नो कैसे आ रहा है, ठीक है। ये रहा, इन अ रो ऑफ 42 मैन इफ राहुल इज शिफ्टेड बाय 10th प्लेस, साफ साफ लिखा हुआ है, 10th प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर अगर उसको शिफ्ट कर दें, बाईं तरफ अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए, जहां पर पहले राहुल मान लीजिए यहां बैठा था पहले, अब राहुल यहां आ गया, तो इसको बाईं तरफ 10 स्थानों से शिफ्ट कर दिए, तो वो बाएं से 30 नंबर पे आ जाता है, बाएं से कौन से नंबर पे आ जाता है? 30 नंबर पे आ जाता है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब पहले उसकी पोजीशन कितनी होगी? 30 में हमने 10 जोड़ दिया, ठीक है, 30 में हमने क्या कर दिया? 10 जोड़ दिया, 30 में 10 जोड़ोगे तो इसका मतलब पहले उसकी पोजीशन थी 40 स्थान था उसका, 40 स्थान था, और अब आपसे दाएं से पूछा गया है, और आपसे यही तो पूछा गया है कि भैया दाएं से पोजीशन क्या होगा, ये नहीं निकाल सकते तुम, ये नहीं निकाल सकते भाई, क्या था इस क्वेश्चन में? टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल की वैल्यू दे रखी है 42, बाएं से स्थान 40 प्लस राइट माइनस एक, 40 माइनस एक कितना हो गया? 39, तो 42 माइनस 39 इक्वल टू राइट, तो राइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, राइट इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया, क्या प्रॉब्लम है भाई, 3 आ तो रहा है भाई, 40 नंबर पे अगर ये है तो पीछे दो लोग तो वे भी ये बैठे हैं, दो लोग तो ये, पर पोजीशन जब गिनेंगे, वो बोल रहा है कि पोजीशन किसकी है, तो एक दो, तो पोजीशन तो 3 आएगी ना भाई, पोजीशन तो कौन सी आएगी फिर? 3 आएगी ना उसकी, पोजीशन कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 40 लोग हैं, 3 आएगी, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे देखेंगे अब इस प्रश्न को। 5 पुस्तकें हैं और सबको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, प्राणी विज्ञान की पुस्तक को शीर्षतम और आधार पर नहीं रखा जाता है, 5 पुस्तकें हैं, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि इस जगह पर नहीं रखा जाता है, जूलॉजी को यहां नहीं रखा,
ना तो यहां रखा है ना यहां रखा है, जूलॉजी यानी कहीं पर बीच में ही आई, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की पुस्तक को इतिहास की पुस्तक के ऊपर रखा गया है, रासायनिक विज्ञान की पुस्तक शीर्ष से दूसरे स्थान पर, केमिस्ट्री की पुस्तक शीर्ष से दूसरे स्थान। अब इन दोनों में से कहीं एक जगह पर जूलॉजी आना था, पर अगर तुमने इन दोनों को यहां पर ले लिया तो पॉसिबल नहीं है, प्राणी विज्ञान यहां आएगी, वनस्पति विज्ञान सॉरी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी बोला है, बॉटनी बॉटनी जो है, बॉटनी की जो बुक है उसको किसके ऊपर रखा गया है, हिस्ट्री की बुक के ऊपर, तुरंत ऊपर। तो जूलॉजी यहां आ गया और ये रहा सबसे ऊपर ही ऊपर, क्या आ जाएगा फिर, कौन सा ऐसा है, फिजिक्स, फिजिक्स यहां आ गया। तो उसने बोला कि आपकी जूलॉजी की पुस्तक के ऊपर कितनी पुस्तक है, तो जूलॉजी की पुस्तक के ऊपर दोस्तों दो पुस्तकें, उनतीस बच्चे हैं, राजू दाएं से दाएं और पांच स्थान स्थानांतरित, मान लो राजू पहले यहां बैठा है, राजू यहां पर है पर उसको दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांच स्थान स्थानांतरित कर दिए, राजू इस जगह आ गया तो दाएं से बारहवें स्थान पर आ जाता, तो ये दाएं से बारहवें स्थान पर आ जाता है। अगर और आगे अगर पहले वाली स्थिति देखें तो कितना हो गया, बारह में पांच जोड़ देंगे सीधा तो कितना हो जाएगा, सेवनटीन। बस राजू की लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करनी है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है 29, लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करनी है, राइट से है 17 माइनस एक, 17 माइनस एक 16, 29 माइनस 16 इक्वल टू लेफ्ट, तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी 13, लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई भाई, 13 आ गई, सही है, कितना आ जाएगा 13। चलिए करते जाइए, बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने। अब जल्दी से ताबड़तोड़ तरीके से, कितने लोग हैं, 95 लोग हैं एक रो के अंदर, देव का स्थान बोला है दाएं से कौन से नंबर पर है, 14th नंबर पर है, तो बाएं छोर से देव का स्थान क्या होगा दोस्तों, टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है, टोटल की वैल्यू 95 दे रखी है, लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करनी है, राइट से पोजीशन कितनी है, 14 माइनस वन कितना, 13 हो गया, तो 95 माइनस 13 इक्वल टू लेफ्ट, तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन आ जाएगी 82, लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई, 82 आ गई। बावन छात्रों की कक्षा में बिलाल की रैंक अंतिम से 11 है, टोटल 52 लोग हैं और बिलाल के लिए बोला है, बिलाल की रैंक लास्ट से 11th है, ठीक है, बिलाल की रैंक लास्ट से कितनी, 11th है, सलमान की रैंक बिलाल से 9 ऊपर है, ठीक है, सलमान की रैंक बिलाल से 9 ऊपर है, सलमान की रैंक बिलाल से 9 ऊपर है, यानी कि राइट से कितनी हो जाएगी, 11 में सीधा 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगी, ये चीज हमेशा आनी चाहिए, आप 9 ऊपर है तो इसका मतलब पहले आएगी ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो कि टोटल 52 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर है बिलाल की रैंक अंतिम से 11 है, ये बिलाल है और उसकी बॉटम से रैंक 11 है, अब इससे 9 रैंक ऊपर, 9 रैंक ऊपर कौन है, सलमान, तो टोटल इसका मतलब बॉटम से रैंक कितनी हो जाएगी, 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रैंक आ जाएगी सलमान की, सही है, तो सलमान की रैंक टॉप से कितनी है, तो टॉप से सलमान की रैंक कितनी है ये आपसे पूछ रहे हैं,
खत्म। तो वही होगा टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार, टॉप टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, ये रैंक होगी टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। तो टोटल है 52, टॉप से रैंक कितनी है भाई 20, टॉप से रैंक फाइंड करनी है, बॉटम से रैंक है 20 माइनस ए कितना हो जाएगा 19। तो 52 - 19 इक्वल टू टॉप, टॉप इक्वल टू कितना आ गया देखो इधर, 12 में से 9 जाएगा आप खुद देख लो, 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो टॉप से रैंक आ जाएगी 33। टॉप से रैंक कितनी आ गई 33, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें, ठीक है चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया इसमें। 5 पुस्तकें हैं ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर रखना है, प्राणी विज्ञान जूलॉजी बॉटनी, प्राणी विज्ञान की पुस्तक को शीर्ष और आधार पर नहीं रखते हैं, वनस्पति विज्ञान की पुस्तक को इतिहास की पुस्तक के ऊपर रखा गया है ठीक है। वनस्पति विज्ञान की जो पुस्तक है, वनस्पति विज्ञान का मतलब हो गया दोस्तों बॉटनी, बॉटनी की बुक को हिस्ट्री के ऊपर रखा हुआ है, रसायन विज्ञान की पुस्तक शीर्ष से दूसरे स्थान पर, केमिस्ट्री को यहाँ रख दिया, वनस्पति विज्ञान की पुस्तक के नीचे 2 पुस्तकें, अच्छा वनस्पति विज्ञान बॉटनी की बुक के नीचे 2 बुकें हैं ऐसा उसने बोला। ओहो अच्छा, ये वाली चीज गलत हो गई क्या, और ये वाली लाइन तो अपन ने पढ़ी ही नहीं है ना, ये वाली लाइन तो हमने पढ़ी ही नहीं वनस्पति विज्ञान के नीचे वाली। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ठीक है तुरंत ऊपर तो बोला नहीं है तो इसको यहां लिख दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, यहां पे आप कर दो, यहां पे आप बॉटनी कर लो यार, इस जगह बॉटनी कर लो, इस जगह जूलॉजी कर लो, ये वाली लाइन मेरे से मिस हो गई, ये वाली लाइन मैंने ध्यान नहीं दिया इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन रह गई ठीक है। अगर ये वाली लाइन है तो ऐसा बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई इशू नहीं है यार, क्या दिक्कत है, अरे भाई भगवान थोड़ी है यार, हम भी इंसान ही है, कोई चीज हमसे भी छूट सकती। तो उसने ये बोला कि प्राणी विज्ञान जूलॉजी के ऊपर कितनी बुक है, तो की जगह 3 कर लो, इसमें परेशान होने की क्या बात है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं ठीक है, समझ में आ गई बात, 3 लोग 3 पुस्तकें हो जाएंगी इसमें और क्या है। चलो ठीक है, कभी कभी अपन स्पीड पे फोकस करते हैं तो कभी कभी हो जाता है भाई, क्षमा कर देना, और तो क्या बोलूं अब आपसे ठीक है। देखिए देखिएगा इधर, कक्षा में प्रियंका की रैंक अंतिम से छठी है, कक्षा में प्रियंका की रैंक बोला है, प्रियंका की रैंक क्या है 6 है भाई, और शीर्ष से दोस्तों कितनी है देखिएगा, टॉप से कितनी है 28 है, तो फटाफट से आप लोग इसको तो कर लोगे, टोटल इक्वल टू वही टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाओगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन या फिर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, तो कितना आ जाएगा 28 प्लस 6 माइनस वन, 28 और 6 34 माइनस वन कितना आ जाएगा 33। इसको तो आप ओरली भी कर सकते थे बिना पेन चलाए हुए, लोगों की एक पंक्ति में फटाफट से देखते हैं आप कितनी स्पीड से और आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब देखते हैं कि 10 से 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं। लोगों की एक पंक्ति में मनु अंतिम से 7वें स्थान पर है, मनु बॉटम से कौन से नंबर पर है 7th पोजीशन पर है, श्रेय मनु से 10 रैंक ऊपर है, श्रेय के लिए बोला है कि वो 10 रैंक ऊपर है, इससे 10 रैंक ऊपर है, यानी कि बॉटम से टोटल रैंक कितनी हो गई उसकी 17th हो गई श्रेय की ठीक है। श्रेय शीर्ष से 8वें स्थान पर, टॉप से शीर्ष के लिए बोला है कि 8वें नंबर पर है, तो बस खत्म हो गया, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन या टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, 8 प्लस 17 माइनस 1 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, टोटल रैंक कितनी हो गई 24। विनीता
विनीता लेफ्ट से सेवंथ और मीना राइट से फोर्थ, ये दिया इस बार आपको। विनीता लेफ्ट से सेवंथ और ये राइट से फोर्थ नंबर पर है, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी इसकी जगह आ गई नीता, इसकी जगह आ गई विनीता, ठीक है। नीना और विनीता इस तरीके से आ गए, तो विनीता लेफ्ट से 15 नंबर पर हो जाती है। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, याद रख लेना इस प्रश्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है कि लेफ्ट से ये पहले कितनी थी, सेवंथ पे, ये फोर्थ पे थी, अब इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी, नीना यहाँ आ गई विनीता की जगह और नीना की जगह आ गई विनीता। अब नई पोजीशन किसकी दी है, बस ये देखा करो हमेशा, नई पोजीशन किसकी दी है, विनीता की दी है, विनीता की नई पोजीशन दी गई है, तो विनीता को ही टारगेट करना है आपको, सही है नहीं है। तो पहले तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। विनीता की नई पोजीशन लेफ्ट से 15 है और विनीता नीना की जगह बैठी है, नीना की राइट से पोजीशन 4 थी पर नीना की जगह विनीता आ गई, इसका मतलब विनीता की राइट से पोजीशन 4 आ गई। अब आपको पता है कि अगर एक पंक्ति में एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसका लेफ्ट से और राइट से पोजीशन हमें फाइंड हो जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिएगा क्या बनेगा, 15 प्लस 4 माइनस 1, 15 और 4 19, 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, 19 माइनस 1 कितना हो गया 18 हो गया आपके पास, तो टोटल आपके पास आ गया 18, टोटल 18 आ गया है। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि नीना की दाहिने से पोजीशन क्या है, नीना की राइट से क्या पोजीशन, नीना की राइट से क्या पोजीशन है, नीना किसकी जगह है, विनीता की जगह, नीना है विनीता की जगह, नीना है विनीता की जगह, तो विनीता की पोजीशन लेफ्ट से 7 थी तो इसका मतलब नीना की पोजीशन लेफ्ट से 7 हो जाएगी, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी नीना की लेफ्ट से पोजीशन हो गई 7 प्लस राइट माइनस 1 यानी टोटल 6, तो 6 इधर जाएगा तो 18 माइनस 6 इक्वल टू राइट, तो यहां से राइट से पोजीशन आ जाएगी 12, कितनी आ गई भाई 12 आ गई, इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी भाई, सही है नहीं, कितनी आ गई 12, नीना की राइट से जो पोजीशन है वो 12। चलिए ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, बी डी से छोटा है, अच्छा बी जो है वो बोल रखा है कि बी डी से छोटा है और डी ए से बड़ा है, ये लो बी डी से छोटा है और डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है यानी ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर, तो कौन सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा हो गया फिर, कौन सबसे बड़ा हो गया, ई। चलिए ताबड़तोड़ तरीके से करते जाइए फटाफट से, डू फास्ट बनाइए, पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, आर सबसे बड़ा है और एस और पी से छोटा है, करिए देखिए पी क्यू से छोटा है
क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा, ये बन गया आर सबसे बड़ा है भाई। कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है पी क्यू आर एस टी, एक दो तीन चार और ये पांच, आर सबसे बड़ा है, एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं, ठीक है एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं, एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं। ऊंचाई के अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में जमा है, तो अंतिम से दूसरा कौन, तो अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा भाई, अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा एस। चाहिए छह गेम है एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, ठीक है यूनो जो है उसने बोला है कि सांप सा बोला है, ठीक है यूनो है अबाव दी सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, मोनोपोली लूडो और शतरंज के बीच में है, कैरम यूनो और लूडो के बीच में है, मोनोपोली लूडो और चेस के बीच में है, मोनोपोली लूडो और चेस के बीच में है, ये हो गया कैरम, ये चेस, मोनोपोली लूडो फिर यूनो और लास्ट में है स्नेक एंड लैडर सांप सीढ़ी, ठीक है स्नेक्स एंड लैडर, ये बन गया भाई। कैरम और मोनोपोली के मध्य में कौन है, कैरम और मोनोपोली के बीच में, कैरम और मोनो के बीच में कौन है, फिर लूडो आगे। तो इस तरीके के भी रैंकिंग के प्रश्न दोस्तों आते हैं एग्जाम में, ठीक है चलिए ताबड़तोड़ तरीके से 42 छात्रों की वो है कक्षा में, राकेश तनवीर से 6 रैंक आगे है, राकेश किससे तनवीर से, ऐसे बना सकते हो आप चाहो तो, ये लीजिए 42 छात्र हैं कक्षा में और राकेश के, राकेश बोल रहा है तनवीर से, राकेश तनवीर से 6 रैंक आगे है, यदि तनवीर की रैंक अंतिम से 18 है, बिल्कुल बॉटम से तनवीर की रैंक कितनी है 18, तो बॉटम से राकेश की रैंक कितनी आ जाएगी 24, तो शुरुआत से राकेश की रैंक क्या है, टॉप से राकेश की रैंक क्या है, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, सही है ना, टॉप से रैंक फाइंड करनी है, टोटल की वैल्यू कितनी है 42 है, टोटल की रैंक कितनी दे रखी है अपने को भाई 42 दे रखी, सही है टॉप से रैंक फाइंड करनी है, बॉटम से कितनी आ गई 24, ये टॉप इधर लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा 23, 42 माइनस 23 इक्वल टू टॉप, टॉप इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 19, 19th रैंक आ जाएगी, कितनी रैंक आ जाएगी भाई 19th। चलिए करते जाइए फटाफट से, जल्दी से करते जाएंगे दोस्तों। अमन रोहित, अमन जो है रोहित सुरेश दानिश और आलोक वजन के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, अमन शीर्ष से तीसरा है, आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, ध्यान से देखिएगा कितने लोग हैं, अमन शीर्ष से तीसरे नंबर पर है, ठीक है अमन शीर्ष से तीसरे नंबर पर, आलोक दानिश और अमन के मध्य में है जबकि दानिश शीर्ष पर नहीं, आलोक दानिश और अमन, आलोक दानिश और अमन के बीच में है, दानिश टॉप पर नहीं है और आगे ऊपर कौन है फिर, रोहित और सुरेश, तो रोहित अगर यहां पर तो सुरेश यहां पर, सुरेश यहां पर तो रोहित यहां पर, इनका क्लियर नहीं हुआ शीर्ष पर कौन है ये हम नहीं बता सकते, पहले नंबर पे कौन है भाई, पहले नंबर पे कौन है हम नहीं बता सकते, रोहित है या सुरेश है या फाइंड नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड, दी ऑप्शन आ जाए,
ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मारुति के लिए बोला है कि लेफ्ट से 20 नंबर पर है, होंडा मारुति के दाएं 10 स्थान पर है, यानी कि टोटल अगर देखें होंडा को लेफ्ट से 30 नंबर पे हो गई, और ये बिल्कुल मिड में, उसको बोला है कि ये मिड में, यानी अगर ये मिड में है तो लेफ्ट से भी 30, राइट से भी 30, तो खत्म हो गया। 30 प्लस 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 59। लेफ्ट से 30, राइट से 30, कितना आ गया, 15। सही है, चलेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, छात्रों की एक पंक्ति में राजीव आगे से 5वें नंबर पर है, राजीव आगे से है 5 नंबर, फिर उसके बाद बोला उसने संजय, संजय पीछे से 16वें नंबर पर, प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में, प्रवीण मिड में है भाई बिल्कुल, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, कुल 52 लोग हैं, 52 लोग हैं तो 16 और 5 21 तो हटा दो, ठीक है, 16 और 5 कितने हो गए, 21, और बीच में ये बैठा हुआ है, 16 और 5 कितने, 21 हटा दो पहले 52 में से, 52 में से 21 जाएगा तो कितने बचे, 31। अब 31 लोगों में बीच में तो ये है, यानी 15 लोग इधर बैठे हैं, 15 लोग इधर बैठे हैं, 15 दुनी 30, और बीच में बैठा हुआ है प्रवीण, ठीक है। तो सामने से प्रवीण का स्थान कितना होगा, तो क्या दिक्कत है, 5 नंबर पर तो ये था, 5 के बाद 15 जोड़ देंगे, 20 और 1 21, तो प्रवीण का स्थान बाएं से 21 हो जाएगा, आगे से 21 हो जाएगा भाई। 15 का स्थान कितना हो, प्रवीण का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 21। सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। केले का पेड़ बाएं और दाएं दोनों से 8वें स्थान पर, लेफ्ट से भी 8, राइट से भी 8, तो टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15। 37 छात्र होते हैं एक कक्षा में, कितने विद्यार्थियों के लिए ऊपर और नीचे से रैंक विषम संख्या है, कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी रैंक ऊपर और नीचे से विषम संख्या है, देखते हैं कितने लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना, ठीक है ना। कल यहीं से अपन लोग स्टार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे हैं दोस्तों, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं अच्छे तरीके से, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है टोटल होमवर्क के, टोटल कितने क्वेश्चन हैं बता देता हूं मैं आपको, होमवर्क के लिए आपके पास 11 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अपनी रिवीजन क्लास होती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, जो भी आप लोग 4 बजे और 10 बजे वाली क्लास के अंदर पढ़ते हैं उसकी रिवीजन क्लास अपनी 5 बजे होती है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है, जिसके माध्यम से हम पूरे 20 साल में आए हुए जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन है ना उनको देखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा शाम को 5 बजे वाली क्लास में, तो बिल्कुल तैयार रहना। और 4 बजे भी अपना नया टॉपिक चालू हुआ है ब्लड रिलेशन, तो उसको भी आप लोग अटेंड कर लेना, शाम को 4 बजे टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, सुबह चल रहा है आप लोगों के सामने रैंकिंग, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना सिलेबस कवर कर लीजिए और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कल अपना शानदार ये बैच होने वाला है, ठीक है ना, 13 अगस्त का दिन है, शाम को 4 बजे बेहतरीन क्लॉक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, कंप्लीट क्लॉक चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर, तो मजा आएगा बहुत, कल शाम को 4 बजे बेहतरीन। इसके अलावा एनालिसिस के लिए दोस्तों मैंने आपको बोल दिया कि एनालिसिस करवाया जाएगा, आप लोग जो है फटाफट से 9835393042 इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे प्रश्न आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, किसी को भी कोई भी आपत्ति हो एक बार नंबर चेक कर लेता हूँ, क्या पता फिर
जो है प्रॉब्लम में आ जाए, दिक्कत विक्कत नहीं आ जाए। नाइन एट थ्री फाइव थ्री नाइन सही है नंबर, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, एनालिसिस के लिए आप लोग जो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सीजीएल एनालिसिस हो, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में सभी को। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना रात को 9 बजे, और बाकी की जितनी भी स्पेशल क्लासेस अपनी चल रही है उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। नया बैच अपना चालू होने जा रहा है, आप लोग सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सीधा मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए और यहाँ से अपने बैचेस को एक्सेस कर लीजिए। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना आप लोग। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके एसएससी एग्जाम कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल को सर्च करो। मेरी प्रोफाइल को सर्च करने के बाद में फॉलो कर लोगे, फॉलो करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग। जैसे ही फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा गाइज, उसके बाद में आप लोगों को ये देखिए सफलता बैच की क्लासेस वगैरह जो है वो एक्सेस करने को मिल जाएगी। इसके अंदर अपना नया बैच अपना चालू हो गया है। ठीक है, सीधा गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइएगा, यहाँ पे आपके सामने जो है एग्जाम के सब्सक्रिप्शन निकल कर आएंगे, उन सब्सक्रिप्शन को आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में वो कोड पूछेगा दोस्तों आपसे, आपको वहां पे दीपू 10 कोड लगाना है, DEEPU10 दीपू 10 कोड लगाकर आप लोग क्या कर लेंगे बढ़िया तरीके से पेमेंट के लिए प्रोसीड कर लेना। इस कोड को लगा के मस्त तरीके से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा गाइस। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बढ़िया सा ऑफर भी चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि एक साल के सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस तो आपको 6 मंथ का एडिशनल फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है, जो कि दीपू 10 कोड लगाने पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, साथ के साथ तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये अगस्त का ऑफर है सिर्फ। ठीक है, ये अगस्त ऑफर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैव अ नाइस डे। पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, वहां से आप लोग जो है लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, जिस किसी का भी सीजीएल का एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।